चिंता का भी विषय है। शुरुआत हमेशा ईश्वर के नाम से की जाती है। लेडीज एंड जेंटलमैन, बिफोर वी बिगिन एनीथिंग ऑस्पिशियस, वी ऑलवेज लाइट द ऑस्पिशियस ट्रेडिशनल लैम्प। इसे आकाश की ओर, पदार्थ से सूक्ष्म की ओर, प्राणी से परमात्मा की ओर, ध्यान से ध्यान की ओर। देखिए जो जम्मू कश्मीर डेल्फिक काउंसिल है, ये इंटरनेशनल डेल्फिक काउंसिल जो है उसके साथ एफिलेटेड है, और आज 10 दिसंबर को जो यहाँ पे एक पार्ट एंड और इनका जो मेन ऑब्जेक्टिव है वो आपसी भाईचारा बढ़ाना और आर्ट और कल्चर को प्रमोट करना। इन्होंने जो थीम पकड़ी है, जो इनका कंसेप्ट है कि आर्ट और कल्चर के माध्यम से हमने पूरे ब्रह्मांड को, पूरे संसार को जो है वो इकट्ठा करना है, तो इसी किस्म का एक नेशनल लेवल का इवेंट्स डेल्फिन काउंसिल ऑफ जम्मू कश्मीर ने जो है वो कश्मीर यूनिवर्सिटी में 2 दिन के लिए करवाया था, और उसमें अक्रॉस द कंट्री तमाम जो हमारे स्टेट्स हैं वहाँ के रिप्रेजेंटेटिव आए हुए थे, और इसमें खसूसन ये है कि बहुत ही इंटेलेक्चुअल लोग, अच्छे बिजनेसमैन, ब्यूरोक्रेट और टेक्नोक्रेट जो लोग हैं वो इस जो संस्था है, ये काउंसिल जो है जिसको मैंने कहा है कि इंटरनेशनल डेल्फिक काउंसिल, वो लोग जुड़े हुए हैं, और उनका जो एक कंसेप्ट है कि हमने पूरे विश्व को जो है वहाँ पे शांति लानी है और अपने आर्ट और कल्चर को प्रमोट करना है, उसी विषय में आज आपने देखा कि एक फोटो प्रदर्शनी जो है वो यहाँ पे हुई है, और उसके जो आर्टिस्ट हैं उनका वो कंसेप्ट और जो थॉट है वो आपके सामने उन्होंने बयान किया। मैं उनसे भी गुजारिश करूँगा कि पीछे खड़े हैं वो इस तरफ आ जाए। तो आज का जो मकसद है बेसिकली, मैंने जिस तरह से बोल दिया आपको कि ये जम्मू कश्मीर डेल्फिक काउंसिल ने किया है, जिसके अध्यक्ष हैं रिटायर्ड एग्जीक्यूटिव इंजीनियर अशोक सिंह चौधरी जी। सर, जिस तरह से कला प्रदर्शनी के स्पेशली ये कला केंद्र बनाया गया, इसकी दिन ब दिन खस्ता हालत हो रही है, क्या कहेंगे? देखिए, मैं ये बात कहूंगा कि जब मैं मंत्री, ये एडमिट है, इस किस्म की एक्टिविटीज हो रही हैं, लेकिन हम डिजाइनिंग स्टेट से हमारे जो आर्टिस्ट हैं उनको भी हम इंटीग्रेशन को बढ़ाने के लिए बात करें, लेकिन डोगरी चाहते हैं कि करालियां फिरन कुआरियां तो बगानियां धर्मतियां, तो मुझे लगता है कि यहाँ हमारा विरसा जो है जम्मू कश्मीर का, जो हमारा यहाँ का कल्चर है वो सब स्टेटों से, सब प्रांतों से भिन्न है। तो पहले सर झांकियां निकलती थी 26 जनवरी को, हर डिपार्टमेंट की झांकी निकलती थी, अब वो बंद हो गया, बीच में मिलिटेंसी की वजह से ऐसा हुआ, लेकिन अब मुझे लगता है कि 26 जनवरी आ रही है, आपने मेरे नोटिस में भी लाया है, तो मैं इसके बारे में जो हमारे एप्रोप्रिएट प्लेटफॉर्म है वहां पे बात करूंगा, और इन राइटिंग में भी जरूर जाएगा कि इन इवेंट्स को और एक्सपेंड करना चाहिए। थैंक यू। एक बार मुझे गेस्ट हाउस में मैं गया तो वहां का जो आपका कन्वोकेशन सेंटर है, अगर आपको याद होगा तो वो बीच में छोड़ के चले गए थे, तो उस समय मैंने वापस जाके उस समय के चीफ मिनिस्टर और अपने कैबिनेट कोलीग्स को कहा, और आज हमारे पास वो एक एसेट जो है वो डेवलप हो गया है, क्योंकि जम्मू में कोई इस किस्म के इवेंट्स करने हों, चाहे वो कल्चर के साथ जुड़े हों, चाहे वो पॉलिटिकल हों, या और किसी किस्म के कोई भी वर्कशॉप करनी है, कोई सेमिनार करना है, तो हमारे पास कोई ऐसी व्यवस्था नहीं थी। तो आज मैं कला केंद्र में भी आया हूँ, मुझे लगता है जितनी मुझे जानकारी है कि इसके केयर टेकर जो हैं वो डिपकॉम जम्मू हैं, तो उनके संज्ञान में इन राइटिंग में भी, और मैं आपसे भी गुजारिश करूंगा, ये इसका नाम है कला केंद्र, और हमारा इतना हिडन टैलेंट है जम्मू कश्मीर का, और खासकर रूरल बैकग्राउंड से जो लोग हैं, जब हम उनको इस किस्म का प्लेटफॉर्म ही नहीं देंगे, और उस समय के जो, उस समय भी तो एक ब्यूरोक्रेट थे चक्रवर्ती साहब जिनका ये कंसेप्ट है, लॉन्ग लॉन्ग बैक में बात कर रहा हूं, चाहे वो बहु प्लाजा हो, चाहे ये चीजें हों,
चाहे मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स की बात हो, तो जिसने जो कंट्रीब्यूट किया है, जिसने जो खाका खींचा है, मैं उसको हमेशा हमारा फर्ज बनता है कि हम अप्रिशिएट करें। तो ये सेंटर ऑफ द सिटी इसीलिए बनाया गया था कि जितने भी हमारे इस किस्म के हिडन आर्टिस्ट हैं, उस वो यहाँ पे आके अपनी प्रदर्शनी करें और जो हमारा हिडन टैलेंट है वो एक्सप्लोर। सर, जम्मू कश्मीर के पिछले कुछ दिनों से हम देख रहे हैं कि सांस्कृतिक गतिविधियां थम के रह गई हैं, कला को लेके कोई भी कार्यक्रम नहीं हो रहा, कोई पॉलिसी नहीं है। जम्मू दूरदर्शन जो है वो कलाकारों के लिए बंद है और अकेडमी में भी कार्यक्रम जो है वो नहीं हो रहे, कलाकार बिल्कुल पिछड़ा वर्ग हो गया, तो कहीं नहीं आ रहा। आपका कंसर्न जो है वो बिल्कुल जायज है। जहाँ तक आप अभिनव थिएटर की बात करते हैं, वो भी पिछले 10 साल से मुझे लगता है कि बड़ी डिलैपिडेटेड कंडीशन में है और इस किस्म के इवेंट वहाँ पे नहीं होते। कलाकांदर का हाल हमने देख लिया है और पिछले दिनों जो इवेंट्स तो बहुत से हुए, लेकिन मेरा ये मानना है और मेरी उस पर पैनी नजर रहती है कि जो जम्मू कश्मीर के हमारे आर्टिस्ट थे उनको कहीं इग्नोर किया गया है। ये एडमिट है, इस किस्म की एक्टिविटीज हो रही हैं, लेकिन हम अडजाइनिंग स्टेट से हमारे जो आर्टिस्ट हैं उनको भी हम इंटीग्रेशन को बढ़ाने के लिए बात करें। लेकिन डोगरी चाहते हैं कि करालियां फिरन कुआरियां तो बगानियां तो रमतियां, तो मुझे लगता है कि यहाँ हमारा विरसा जो है जम्मू कश्मीर का, जो हमारा यहाँ का कल्चर है।